वैकेंसी में आपको एसी में जाना चाहिए, गेट में जाना चाहिए, कंपटीशन कितना हाई होगा मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सर तो आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपका एसी का नोटिफिकेशन आया तो लोगों के माइंड में एकदम दिमाग में भर गया कि एसी करूँ या स्किप कर दूँ, या गेट पे चला जाऊँ या अदर एग्ज़ाम के नॉन टेक पे चला जाऊँ या एसएससी जेई पे चला जाऊँ, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के चार ब्रांच है ऑलमोस्ट, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो एसी कराती है एग्ज़ाम। और वैकेंसी इतनी कम है ना, 215 वैकेंसी है, यानी 215 में ऑलमोस्ट मान के चलो ना 110 से 120 सीटें मिनिमम आपके सिविल को होने वाले, 150 भी जा सकती है। बाकी तीन ब्रांचों को, किसी को 10 मिलेगा, किसी को 20 मिलेगा, किसी को 40 मिलेगा, तो ऐसे करके 215 सीट डिवाइड होगी। ओके, तो इसमें अब आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं कोचिंग करूं या स्किप कर दूं, या कोचिंग कर रहा हूं तो एससी पे फोकस करूं या गेट पे फोकस करूं, या अदर एग्जाम पे जैसे नॉन टेक पे एसएससी पे चला जाऊं या एसएससी जेई पे चला जाऊं। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में क्लियर कर दूंगा माइंड। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन तो 2021 का आया गया है, 215 है वैकेंसी है, तो आप कोचिंग मोस्टली लोग कर रहे होंगे 2022 के, जो 22 के, ये तो 2021 का है, ये गलती मत करिएगा, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अच्छा चीज़ ये 2021 का है, बट आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो 2022 के लिए, तो आपके माइंड में एक क्लियरिटी बनना चाहिए। नहीं, 2021 में तो सीटें ज़्यादा आ सकती हैं, क्योंकि 2021 में 2022 में सीटें ज़्यादा आ सकती हैं, 2021 में सीटें कम है, क्योंकि 2021 का नोटिफिकेशन है। आप लोग माइंड में 2022 का मत, मोस्टली स्टूडेंट अभी 2022 वाले प्रिपेयर कर रहे होंगे, स्टार्ट कर दिए होंगे कोचिंग, बट 2021 वाले 20 में किए होंगे, जो जनवरी में पेपर होता कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हुआ था। ओके, अब बात करते हैं आपके, चलो 2021 वाले तो अपना कर रहे होंगे, अब जो भी है उसमें उनको फाइट तो करना है, फॉर्म भी फिल करेंगे, क्योंकि अब उनके माइंड में चल ही रहा होगा कि, बट अब 2021 में जो किए हैं उनको तो गेट भी उनका दे चुका, गेट का रिजल्ट भी आ चुका, सब कुछ। मान लो जिनका अच्छा रिजल्ट नहीं किया, एससी पे जाना चाहिए अदर एग्जाम। देखो, एससी पे जाना मेरे हिसाब से बहुत गलत है 2021 वालों के, क्योंकि यार सिविल में 110-100 सीट है, आप अच्छे कॉलेज से नहीं हो, देखो IITs NITs नहीं हो तो नहीं जाते, बट फाइट करने के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, प्रिपेयर नहीं छोड़ सकते, प्रिपेशन आपको करना ही करना है। क्योंकि यार देखो, आज 2021 में नहीं कर पाते हो तो 2022 में अच्छी सीटें आने वाली, 400 प्लस सीटें आने वाली हैं, 400-500 सीटें आने वाली हैं, इसमें कम है तो, इसलिए आपको 2022 के लिए फोकस करके करना पड़ेगा, 2021 में नहीं होता। क्योंकि आप अभी स्किप करके सोचोगे 2022 में करूँगा एससी के लिए फोकस, तो ये फिर आप दोनों तरफ से चले जाओगे, तो इसलिए एससी पे फोकस करना ना भूलें, एससी पे ज़रूर करें। और अभी 2022 वालों क्या माइंड में, 2022 में एक सोच रहे होंगे यार सीटें इतना ही आएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, 2022 में सीटें ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इस बार कम है, कुछ रीजन कोविड वोविड खाली नहीं रहा होगा, या तो जो भी रिटायर होने वाले होंगे कुछ और कर दिए होंगे, तो खाली सीटें नहीं होंगी, तो अगले बार जो होगा 2022 में का होगा, इसमें सीटें अच्छी आने वाली, तो इसलिए आप इस एससी 2022 के लिए प्रिपेयर करिए, कोई भी कोचिंग मिस ना करें, कुछ भी गेट उसके साथ साथ करिए, एक बार तक अपना अटैम्प्ट फुल अटैम्प्ट दीजिए, किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो तो एससी के लिए आप टेक्निकल नॉन टेक, देखो टेक्निकल आपको किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में जाना है तो टेक्निकल पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, और बाकी आपको जैसे नॉन टेक में 10 सब्जेक्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, जैसे क्वालिटी पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट भी, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो पढ़ना पड़ेगा, मैथ और एप्टीट्यूड सेम होता है। ओके, अब बात करते हैं कि कंपटीशन कितना हाई होगा। कंपटीशन भी ना 2021 में बहुत टफ और हाई होने वाला है कंपटीशन, क्योंकि यार देखो किसी भी ब्रांच का कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा जाने वाला है, कट ऑफ, क्योंकि यार देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट IITs वाले भी बहुत सारे हैं, तो नंबर लाएंगे, फुल प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी 2 महीने 2.5-3 महीने बचे हैं, तो उसमें वो फुल प्रिपेयर करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। आप कहाँ बिलोंग करते हो वो डिपेंड करता है, आपको टेस्ट सीरीज देते होंगे पता चल जाता है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज भी देना चाहिए, तो बड़े का टेस्ट सीरीज देना चाहिए, तो वहाँ से आपको ज़्यादा स्टूडेंट मिल जाते हैं। ओके, तो 2021 में कंपटीशन वेरी हाई एससी के लिए, और 2022 में कंपटीशन भी उतना ही होगा जितना 2021 में, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन नहीं होगा, तो 2022 में से जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उन पे भी थोड़ा बहुत वो होगा प्रॉब्लम। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको अब मेरा टॉपिक ये था कि आपको गेट 2022 वाले जो हैं क्या एससी छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, तो नहीं छोड़ना चाहिए, पहले मैं ही बता दूँ, वो गेट पे भी फोकस करिए और
अपना ESC पे भी फोकस कर सकते हो। और अदर ऑप्शन, मान लो आपको लगता है कि मैं ESC नहीं कर सकता, तो क्या कर सकते हो ये भी मैं बता देता हूँ। देखो सिविल इंजीनियरिंग के लिए SSC JEE है, उस पर भी फोकस कर सकते हो। टेक्निकल ESC का पूरा कोर पढ़ो, उसके बाद नॉन टेक पढ़ लो, एप्टीट्यूड रीजनिंग और GS पढ़ लो। और इलेक्ट्रिकल भी सेम है, इलेक्ट्रिकल में ऐसे भी SSC में कम वैकेंसी आता है, मैकेनिकल में भी कम आता है। तो ये स्टेट जॉब पे भी फोकस कर सकते हैं। बहुत सारी स्टेट, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ पे बहुत सारी स्टेट जॉब आती है। जैसे UPPCL में इलेक्ट्रिकल का भरमार वैकेंसी आता है, राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आती है, बिहार में बहुत सारी आती है, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ऑलमोस्ट वैकेंसी वैकेंसी आती है। ओके, तो आपको, मेरा मानना है कि आपको स्किप नहीं करना है, कम वैकेंसी, इतना कम वैकेंसी में आपको फोकस करना ही करना है। देखो ये 2021 का नोटिफिकेशन है, 2022 वालों को टेंशन लेने की बात नहीं है, उनको फुल्ली प्रिपेयर करना है ESC के लिए। जो ESC पे माइंड लगा के बैठे हो तो ESC प्लस गेट दोनों एक साथ देने का तैयारी करें, और दोनों लोग आई थिंक आप क्लियर कर सकते हो। बट आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए, बहुत सारे टॉपिक को कवर करना होगा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना डाउट क्लियर करना होगा, आपको टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करना होगा, टेस्ट सीरीज को गलतियों को इम्प्रूवमेंट करना होगा, बहुत सारी चीज़ें। और ये एग्ज़ाम का एक रूल ही है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जितना अच्छा करोगे उतना आपका मेन एग्ज़ाम में अच्छा होगा। ओके, बाकी यही मेरा छोटा सा आज वीडियो था, क्योंकि वीडियो इतना ही था कि इतना कम वैकेंसी में आपको कैसे प्रिपेयर, तो मैं पहले बता दिया है 2021 का, 2022 का नहीं है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ ESC गेट जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।